बहुत स्वागत है जी तुहाडा अज्ज दी इस वीडियो दे विच। आपां हाजर हाँ जी 6635 की लेटेस्ट अपडेट लैके। जिदा कि तुहानू पता है कि अज 18 अप्रैल में अपने 6635 संबंधित 3 केस की जिहड़ी है सुनवाई हाई कोर्ट दे विच हैगी सी। एक केस जिहड़ा बीए दे 5 नंबरां नू लैके लगाया गया सी, उस केस की सुनवाई जिहड़ी है अज होई है हाई कोर्ट दे विच। उस दे नाल ही जिहड़ी सुरिंदरपाल वाली सीएम लगाई गई सी उसकी भी जिहड़ी है सुनवाई होई है। तो तिना केसा दे जिहड़ी है सुनवाई हो चुकी है। तो इत्थों तक तो हुण मैं दस देवां कि जिहड़ा एक अपना ओरिजिनल केस है, ठीक है, जिसकी कि अज स्टे टुटनी चाहिए सी, उसकी जिहड़ी नैक्सट डेट है वो 2 मई पै चुकी है। तुसीं इत्थे स्क्रीन ते देख सकदे हो अज्ज की सुनवाई दे विच जिहड़ी है नैक्सट डेट मिली है आपां 2 मई। तो जिहड़े बाकी 2 केस ने, एक ए वाला केस प्रीति प्रभात वाला, ए बी ए दे 5 नंबरां नू लैके लगाया गया सी, इसकी भी जिहड़ी है सुनवाई हो चुकी है। लेकिन इसका आपां नू हजे डिसीजन जिहड़ा साइट ते अपलोड नहीं होया हैगा। जदों ही इस दे रिगार्डिंग कोई डिसीजन जां अपडेट आएगी आपां तुहानू इस चैनल ते इनफॉर्म कर दांगे। इस दे नाल ही मैं तुहानू दस दवां कि ये जो एक सीएम लगाई गई सी 6635 ते सुरिंदरपाल वाली, ठीक है, इसकी भी जिहड़ी है सुनवाई हो चुकी है। तो टोटल 3 केसिस आप कह सकते जिन्हां ते सुनवाई हुई है, उन्होंने एक की जिहड़ी तरीक है वह 2 मई पा दित्ती गई है। मैं तुहानू दिखाया है ऑलरेडी, तो इतने तुम देख सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल केस की जिहड़ी 2 मई पै चुकी है। तो हुण सवाल यह बनता है कि इसकी स्टे क्यों नहीं टुटी हैगी। तो देखो कितने ना कितने इहदा कारण यह हो सकता है कि जिहड़ा हाई कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं उड़ीक रहा है। जिदा आपां नूं पता है कि 27 अप्रैल में अपना फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तो आने वाला है। कितने ना कितने आपां यह कह सकते हैं कि शायद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाल देख रहा है, तो करके शायद हो सकता है कि 2 मई तरीक पाई गई है। लेकिन आप गल कर लिए कि यह भर्तियां जिहड़ियां ने कदों को कंप्लीट होणगियां, तो आप जेकर अपना अंदाजा लगा के देखिए तो 1-2 महीना इस नूं आराम तो लग जाएगा भर्तियां कंप्लीट होंदियां नूं, ठीक है। फिलहाल अज की यही अपडेट सी, नैक्सट डेट तुसी देख सकते हो 2 मई पै चुकी है। आप इसकी इनफॉर्मेशन तुहानू टैलीग्राम ग्रुप से टाइम टू टाइम देंदे रहे हैं। टैलीग्राम ग्रुप नाल जरूर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता गया है। लेटेस्ट अपडेट जिहड़ी है सब तो पहला तुहानू टैलीग्राम ग्रुप दे विच ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जेकर चैनल पर नवे हो सबसक्राइब कर लो, बहुत सारिया हैल्पफुल वीडियोज़ जिहड़ियां ने तुहानू इस चैनल तो मिलदियां रहिंदियां हन। तो हुण जिहड़े बाकी 2 केस ने, एक सीएम ते एक प्रीति प्रभात वाला केस, जदों ही उसकी कोई अपडेट आती है आपां तुहानू इसे चैनल ते इनफॉर्म करांगे। फिलहाल अज की यही अपडेट सी, किते ना किते ईडीटी वाले कैंडीडेट्स के हाथ जिहड़ी आ अज फिर निराशा लगी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तो कैंडीडेट्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। आपां नूं पता है कि पिछले काफ़ी टाइम तो 18 अप्रैल की जिहड़ी वेट की जा रही थी, तो अज तुसीं देख सकदे हो कि हुण आपां नूं नैक्सट डे डेट दे दित्ती गई है। किते ना किते आपां इह वी कह सकदे कि 2 मई तो हुण हो सकदा 12 मई पहुँच जाए। क्यों पहुँच जाए? क्योंकि 12 मई 23 चोण की तरीक है, तो कितने ना कितने फिर इन्होंने इदा ही कहना है कि 23 चोण के नाल 6635 भी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो यह हो सकता है कि केसां दा जिहड़ी तरीकां दा सिलसिला है ये शायद हजे होर चलेगा, ठीक है। फिलहाल आपां नूं ज़्यादा हुण जिहड़ा जोर है वह सुप्रीम कोर्ट के केस वाल देखना चाहिए है कि 27 अप्रैल में जो भी फैसला आता है वह अपनी हाई कोर्ट जिहड़ी है जरूर फॉलो करेगी। तो हुण 27 अप्रैल में अपना मेन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तो आ जाना है। उस तो बाद जिहड़ी अपनी 6635 की तरीक है, तुसीं इत्थे देख सकते हो 2 मई है, 2 मई नूं पता लगेगा। बाकी जो भी तुहाडे विचार होण तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच बेझिझको के सांझे कर सकते हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। फिलहाल अज दी यही लेटेस्ट अपडेट सी। वीडियो देखने के लिए तुहाडा धन्यवाद, थैंक यू।